आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें होने वाली है, जैसे कि सलार वर्सेस डन की महाभारत बनने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, और रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है उसके बारे में भी बातें करेंगे, और भी एक दो छोटी मोटी न्यूज है उनको भी कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग पहली न्यूज के साथ, जो कि काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है। नितेश तिवारी ने जब अपनी रामायण अनाउंस करी थी तो जितनी खुशी हुई थी उतनी ही खुशी हो रही है महाभारत के अनाउंसमेंट पे। ये तो कंफर्म है बॉस कि महाभारत बनने वाली है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि महाभारत आखिर बना कौन रहा है। जैसे अगर आदि पुरुष की अपन बात कर ले तो उसको बना रहे थे ओम राउत, थोड़ी बहुत उम्मीदें थी हमको कि पिक्चर अच्छी होगी, लेकिन पिक्चर निकली एकदम बोलने की जरूरत नहीं मुझे, तुम लोग समझ गए कैसी पिक्चर थी। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है भाई कि आखिर पिक्चर को बना कौन रहा है। तो बनाने वाले का नाम मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने बनाई है द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर। डायरेक्टर का नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। ये जो महाभारत बनाने वाले हैं ये एक नॉवेल का अडेप्टेशन होगा जो कि लिखी थी डॉक्टर एस एल भारियप्पा ने। नॉवेल का नाम है पारवा, और इसी नॉवेल को तीन पार्ट में डिवाइड करके एक पिक्चर बनाई जाएगी जो कि तीन पार्ट में रिलीज होगी। और ये जो तीन पार्ट में पिक्चर को रिलीज करने के बारे में सोचा है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा फैसला लगा, क्योंकि आदि पुरुष को अगर अपन देख ले तो एक ही में सब कुछ दिखाने की कोशिश करी जो कि ये लोग दिखा नहीं पाए, और पिक्चर बन गई एकदम डिजास्टर। और मैं नहीं चाहता भाई कि आने वाली पिक्चर है आदि पुरुष जैसी बने, तो आई होप ये दोनों डायरेक्टर्स इन दोनों एपिक मूवी के लिए अच्छा काम करें, बाकी हम लोग बस होप कर सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है इस न्यूज के बारे में फटाफट कमेंट में बताना, और अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन अब बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से। 19 जनवरी 2024 को इनकी एक सीरीज आने वाली है जो कि कॉप यूनिवर्स का पार्ट होगी। रोहित शेट्टी इसको बना रहे हैं। सीरीज का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। अभी हाल ही में इन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया जिसके अंदर हम लोग देख सकते सिद्धार्थ मल्होत्रा को, शिल्पा शेट्टी को और विवेक ओबेरॉय को, और ये तीनों के तीनों पुलिस के रोल में नजर आने वाले है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही मुझे सीरीज, क्योंकि रोहित शेट्टी बना रहे हैं और पुलिस फोर्स पे इन्होंने पिक्चर बनाने में एकदम ऐसे मास्टरी हासिल करनी है। इनका ये जो कॉप यूनिवर्स है ये काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है बॉस की काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्ट्रेस इसमें और भी जुड़ने वाले हैं। तीन नाम तो हम लोग अभी सुन चुके हैं और उनमें से दो की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑफिशियली। पहली है दीपिका पादुकोण जो की बनी है डीसीपी शक्ति शेट्टी, जिनको अपन लोग बोल सकते हैं लेडी सिंगम। और बॉस क्या बैड एस पोस्टर बनाया है जिसमें दीपिका हमको नजर आती है एकदम खतरनाक वाले लुक में, और भाई पोस्टर को ही देख के लग रहा है कि ये जो लेडी सिंगम है ना ये काफी ज्यादा बैड एस होगी। अब अगर अगला नाम तुम सुनना चाहते हो तो इनकी हाल ही में एक पिक्चर आई है जिसका नाम है गणपत। भूल से भी भाई लोग इसको देखना मत, नहीं तो तुम्हारे दिमाग पे ऐसा टॉर्चर होगा। फिर बोलना मत कि मैंने वार्निंग नहीं दी तुमको, अगर देखने बाय चांस चले गए हो तो तुम समझ सकते हो कि क्या टॉर्चर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग मैं रिसेंटली ये पिक्चर देख के आया हूँ। बाकी यार तुम पिक्चर देखना चाहते हो तो अपनी रिस्क पे जाके देखना। पर अपन बात कर रहे थे टाइगर श्रॉफ के बारे में, जो कि सिंघम अगेन पिक्चर में एक कॉप बने हैं। नाम है इनका एसीपी शक्ति। अब मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी जो है उनकी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ में बहुत ज्यादा टैलेंट है भाई, पर उनकी शक्तियों का ना कोई उपयोग नहीं कर पा रहा ढंग से। अब अगर तुम्हें टाइगर श्रॉफ के बाद जो तीसरा नाम बताऊंगा ना उसको सुन के भी तुमको झटका लगने वाला है, जो कि हाल ही में हमको बताया गया था कि मतलब ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि इसमें हमको अर्जुन कपूर देखने को मिलेंगे, और एक्चुअली ये रूमर्स नहीं है, तुम इनको कंफर्म भी मान सकते हो, क्योंकि अर्जुन कपूर सच में इस पिक्चर में है भाई, बस उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई जैसे ये दो एक्टर की हो चुकी है। इसमें जो अर्जुन कपूर है मेन एंटागोनिस्ट बनने वाले है, तो क्या लगता है तुमको अर्जुन कपूर जो है वो कर लेगा अच्छे से? मुझे तो लग रहा है लेडी सिंघम ही अर्जुन कपूर पे भारी पड़ जाएगी। बाकी सारे कॉप्स को हटा दो, लेडी सिंघम वर्सेस अर्जुन कपूर करवा दो। और ऐसा नहीं है कि सिंघम अगेन में ओनली अर्जुन कपूर जो है वो मेन विलन रहेंगे, जैकी श्रॉफ भी तो है, वो किधर जाएगा? तो अपना भिड़ू भी आएगा और धूम मचाएगा। तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अपना भिड़ू को देखने में, मतलब जैकी श्रॉफ को देखने में। अर्जुन कपूर का ऐसा है भाई कि बाय चांस अगर अच्छा कर दे तो अच्छा है, नहीं करे तो फिर तो पता ही था सबको कि नहीं करेगा। बाकी तुम क्या सोचते हो अर्जुन कपूर के बारे में, कि इस पिक्चर का मेन विलन अर्जुन कपूर होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। तो इस न्यूज को अपन यही खत्म करते हैं। अब बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, जो कि आती है सिंघम की तरफ से, मतलब अपने अजय देवगन की तरफ से। भाई लोग इन्होंने 5-5 पिक्चर ऐसे साइन कर दिए जो कि किसी फ्रेंचाइजी का पार्ट है, और इनकी अपकमिंग मूवीज भी वही होने वाली है, मतलब इन्हीं कुछ सालों के अंदर हमको ये पिक्चरें देखने को मिलेगी। तो कौन सी अजय देवगन की ऐसी 5 फिल्में आने वाली है जो कि किसी ना किसी पिक्चर का सीक्वल है या तो फिर किसी फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है? पहली पिक्चर है सिंघम अगेन, दूसरी पिक्चर है सन ऑफ सरदार, तीसरी पिक्चर है रेड 2, चौथी पिक्चर है धमाल 4, और पांचवी पिक्चर जो है वो है दे दे प्यार दे 2। और भाई अगर रूमर्स पे माने तो दृश्यम 3 पे भी काम चल रहा है,
तो इन सब सीरीज में से भाई मेरी दृश्यम काफी ज्यादा फेवरेट सीरीज है। तो मैं चाहता हूँ भाई कि इतनी सारी पिक्चरों में से पहले अगर तुम डाल सकते हो तो दृश्यम 3 का पार्ट डाल दो। बाकी धमाल 4 भी है, सिंघम अगेन भी है, लेकिन सिंघम अगेन मुझे पता है हाँ ठीक ठाक हो सकती है, पर धमाल 4 के बारे में इतना कुछ ज्यादा मेरे मन में कुछ नहीं है भाई, क्योंकि बॉलीवुड वाले ना कॉमेडी करना भूल चुके हैं और जो एपिक वाली जो धमाल बनाई थी इन्होंने वैसी धमाल आज तक नहीं बनी भाई। तो आई होप ये धमाल 4 अच्छे से बनाए। पर अगर ऐसी कॉमेडी मूवी के बारे में अगर तुम्हें बताऊं जिसके अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुई है, लेकिन राजपाल यादव एक पॉडकास्ट में बोलते हुए नजर आए, शायद इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आए कि उन्होंने ढोल 2 की स्क्रिप्ट सुनी और वो उन्हें ढोल 1 से भी अच्छी लगी, तो होप कर सकते अपन कि जो ढोल 2 आने वाली है वो अच्छी कॉमेडी मूवी होगी। बाकी अगर कॉमेडी की बात कर ही रहे अपन तो दो कॉमेडी एपिक पिक्चर जो है वो खराब करने जा रहे प्रहलाद साम जी, जिनके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया भाई कि किस तरीके से वो हेरा फेरी 3 को खराब करने वाले हैं और साथ ही में वेलकम टू जंगल मूवी को भी खराब करने वाले हैं। तो भाई बॉलीवुड का जो कॉमेडी का स्तर है ना वो गिरता ही जा रहा है और आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि कॉमेडी मूवी भाई फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ढंग की कॉमेडी कोई बना ही नहीं रहा। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। अब अगर अगली न्यूज के बारे में बात करूं तो वो आती है डंकी मूवी की तरफ से। भाई लोग डंकी का एक पोस्टर आ चुका है और साथ ही में इंटरनेशनल रिलीज डेट। डंकी इंडिया में रिलीज होगी 22 दिसंबर के दिन, लेकिन इंटरनेशनली रिलीज होगी 21 दिसंबर के दिन, मतलब एक दिन पहले। जो ये पोस्टर रिलीज किया गया है ना इसमें पिक्चर का नाम लिखा गया है और ना ही एक्टर का नाम, बस पोस्टर में लिखा है डायरेक्टर का नाम और रिलीज डेट। और बिना पिक्चर का नाम लिखे हुए भी भाई लोग सब लोग समझ गए कि ये डंकी का पोस्टर है। अगर तुम पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लिखा हुआ दिखेगा अ सोल्जर जर्नी टू कीप अ प्रॉमिस, मतलब ये कोई सोल्जर की कहानी लगती है जो कि अपने प्रॉमिस को भाई निभाने वाला है, मतलब प्रॉमिस पूरा करने वाला है। तो ये तो हो गई पोस्टर की बात। पिक्चर के रिलीज डेट को देख रहे हो तुम लोग, ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई टीजर नहीं आया। टीजर तो छोड़ो भाई, कोई ग्लिम्स वाला वीडियो तक नहीं आया। तो अगर तुम्हें सूत्रों के अनुसार बताऊं तो पिक्चर का जो टीजर है वो 2 नवंबर के दिन आने वाला है, क्योंकि 2 नवंबर के दिन आता है शाहरुख खान का बर्थडे और शाहरुख खान के बर्थडे के दिन हो सकता है कि हमको टीजर देखने को मिले। और इसको एकदम ऐसा कंफर्म मत मान ले, हो सकता है टीजर आए और हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि ऐसा ही एक किस्सा आज घट चुका है। हम लोग सब उम्मीदें लगाए बैठे थे कि भाई लोग प्रभास का बर्थडे आता है आज के दिन, मतलब 23 अक्टूबर के दिन, तो हमको प्रभास की तरफ से आने वाली जो 2 पिक्चरें आएगी उनकी सालार या कल की दोनों में से किसी पिक्चर का हमको ट्रेलर देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सालार वालों ने बस एक हैप्पी बर्थडे वाला वीडियो अपलोड किया है और एक हैप्पी बर्थडे वाला पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे प्रभास। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि एक्टर के बर्थडे पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ हमको अपडेट मिले, ऐसा कंफर्म नहीं है कि मिलेगा ही। तो अभी सालार और कल्की का तो कुछ अपडेट नहीं आया, लेकिन अपन वेट कर सकते हैं कि डंकी की तरफ से हमको कुछ अपडेट देखने को मिले। तो 2 नवंबर के दिन एकदम ऐसे रेडी होकर बैठ जाना भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में अपन बस यही तक रुक जाते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अपन अगले वीडियो में, और तब तक के लिए तुम ये वाला जो वीडियो है भाई गणपत का, तुम्हें अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ, ये वाला वीडियो खोल के देख लो। अगर तुम जरा सा भी पिक्चर देखना चाहते हो गणपत, तो उससे पहले भाई ये वाला वीडियो देख लेना। तो मिलते अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो।